पे भी अब रह गई, ये तो क़यामत की निशानियाँ ये जो बताई गई थी ये तो वही पूरी हो रही हैं। और क्या अभी सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानियों के वीज़ा पर पाबंदी लगा दी, पाकिस्तानियों को कहा कि भाई आप लोग की एंट्री सऊदी अरब में नहीं होगी, लेकिन दूसरी तरफ इंडियंस के लिए 72 घंटे के लिए उन्होंने वीजा फ्री कर दिया। जी हिंदुस्तान जो है ना जी वो हिंदुओं का कंट्री है। हाँ, वो तो हिंदू कंट्री है, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे हम मस्जिद नहीं बनने देंगे, कैसा लगेगा हमें? हिंदू अगर कहें मस्जिद नहीं बनने देंगे तो उनकी बात ये गलत है। तो सर यही कह रहे हैं, ये देखे ना, अगर अच्छा हिंदू अपने कंट्री में मस्जिद बनने ना दे तो वो गलत है, हम अपने कंट्री में अगर मंदिर ना बनने दे तो वो ठीक है। उन्होंने कहा कि औरतों का दिल करे हिजाब करने को, सऊदी अरब कहता है वो करें, अगर लड़कियों का औरतों का दिल नहीं करता हिजाब करने को तो वो ना करे। तो गलत है, जो इस्लामिक ममालिक में जो चीजें होनी चाहिए वही रहें, और ये इस तरह से ये चीजें ऐड की जा रही हैं, या ये फहाशी की शुरुआत है वहाँ। सही किस तरह इसको कर सकते हैं? ये तो सही किसी तौर पे भी सही नहीं है। वो पाक मतलब पाक हस्ती है, उधर हम ज़ियारतें के लिए जाते हैं, एज ए मुसलमान जो है हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ताकि यहाँ पे जो हमें इस्लाम बताया जाता है वहाँ पे वो इस्लाम है नहीं? नहीं, ये इधर हमारे वाला इस्लाम तो ये हमारा ये सो कॉल्ड फिरकों का इस्लाम है। सऊदीया से खबर सामने आ रही है, मोहम्मद बिन सलमान ने बोला है कि रमजान में मस्जिदों के अंदर इफ्तार नहीं होगा। सऊदीया के अंदर मस्जिदों के अंदर इफ्तार करने को बैन कर दिया गया। सऊदी अरेबिया में भी लिबास के हवाले से, ड्रेस के हवाले से ये बोला गया कि भाई कोई भी इंसान चाहे वो मर्द है या औरत है कोई ड्रेस पहन सकता है। IMF से भीख मांगने जा रहे हो, वर्ल्ड बैंक से भीख मांगने जा रहे हो तो भिखारी की कोई इज्जत होती है? दिल करेगा आपकी बात मान लेंगे, दिल करेगा नहीं मानेंगे। क्या सऊदीया के मुस्लिम अब मुस्लिम नहीं रहे? क्या उनके इस्लाम में और हमारे इस्लाम में कोई फर्क है? सऊदीया अपने कल्चर को बदल रहा है, बट इन अ सेंस ऑफ बहुत स्लोली बदल रहा है, छोटी छोटी चीजों से करके वैसी चीजें कर रहा है जैसे ये हुआ है। ये बहुत छोटी सी बात है, इस पे बहुत से लोगों को मसला ही नहीं होगा। दोस्तों, सऊदी अरब अपने विजन 2030 के तहत कई सारे स्टेप उठा रहा है ताकि सऊदी अरेबिया भी एक जो है ना सेकुलर कंट्री बन सके और अपनी जो इकोनॉमी है उसको ऑयल की जगह टूरिज्म के ऊपर शिफ्ट कर सके। इसी के तहत सऊदी अरेबिया में बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए जा रहे हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार सऊदी अरब ने जो है ना मस्जिदों के अंदर होने वाली इफ्तार पार्टी को बैन कर दिया है। साथ में सऊदी अरब के प्रिंस ने यह भी कहा है कि अगर कोई औरत हिजाब करना चाहती है तो वो करे, अगर नहीं करना चाहती है तो उसके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी, वो मनचाही ड्रेसें पहन सकती है। अब इसी के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का जो रिएक्शन आ रहा है मज़ेदार है। वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सऊदी अरब में रह के अच्छा एक बात, मैं भी UAE का विजिट किया, मुझे एक बात ईमानदारी से बताइएगा, इन लोगों को भी बताइएगा कि यहाँ पे जो हमें इस्लाम बताया जाता है वहाँ पे वो इस्लाम है? नहीं नहीं, ये इधर हमारे वाला इस्लाम तो ये हमारा ये सो कॉल्ड फिरकों का इस्लाम है, समझ आ गई ना? हर बिजनेस मेरी बात सुने, बिजनेस कहनी चाहिए। यहाँ पे तो इतना रवादारी नहीं है कि एक फिरके का बंदा अगर दूसरे फिरके की मस्जिद में जाके नमाज पढ़ ले या ऊंची आमीन कह दे तो ये तक गवारा नहीं होता है। तबलीगी जमात वाले अगर किसी की दूसरे मतलब फिकर की मस्जिद में चले जाएंगे तो वो कहते हैं जी धो ले, वो आपको इसी यहाँ की मिसालें मिलती हैं। हम वैसे तो कौन सा दीन हम भेज रहे हैं? अगर कोई गैर मुस्लिम अगर देखेगा उसे तो क्या लेगा? हम ये कह देते हैं कि वो लोग साजिश, इसराइल सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे है, इसका मतलब है फिर वो इस्लाम को या कुरान पाक को सबसे ज्यादा तो फॉलो वो कर रहे हैं तो हमसे बेहतर तो हाँ, लेकिन उनके और हमारे में एक फर्क है ना? क्या उनके और हमारे में भी ये फर्क है कि हमने कलमा पढ़ा, उन्होंने अच्छा जो उन्होंने कर लिया ना उसका सिला उन्हें यहाँ दुनिया में मिलेगा, अच्छा आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं, और हमें आखिरत में क्या मिलेगा? यानी हमें सजा मिलके फिर हमें मिलेगी जन्नत ही। इफ्तार को बैन नहीं किया उन्होंने, मस्जिदों के अंदर इफ्तार को बैन किया। तो कह रही हूँ मस्जिदों के अंदर होनी चाहिए, नहीं बैन करना चाहिए था। जी देख, यानी मस्जिदों में ही जाहिर सी बात है, मदीना या मक्का या हम जाते हैं वहाँ पे तो वो मस्जिद में ही लोग बैठते हैं, इबादत करते हैं, और उनकी ख्वाहिश होती है कि मगरिब की नमाज़ भी हम यहीं पे पढ़ें, इफ्तार भी करें, क्योंकि टाइम तो शॉर्टली होता है इफ्तार के बाद, तो वहीं लोग नमाज़ पढ़ के वहीं इफ्तार करना ज़्यादा खुशी से महसूस करें। अगर मैं जाती हूँ, अल्लाह ताला मुझे बुलाएं, और मेरी भी ख्वाहिश यही होगी तो मैं रमज़ान में जाऊँ, वहाँ पर सहर व इफ्तार करूँ, मदीना में बैठ के, मक्का में बैठ के। ये तो मदीना में, पूरे सऊदीया में आप कर सकते हैं, वो मना नहीं किया, सिर्फ मस्जिदों के अंदर जो है एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए उन्होंने कहा है। इतनी सालों से ये चीजें होती आ रही थी तो अब ये चेंज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मुझे अब ये बताएगा, अगर यही फैसला किसी और कंट्री से आता या अगर भारत से आता तो हम लोग बाहर निकल आते, सड़कों पर बैनर्स लेकर निकल आते, अब क्या हो गया हमें? बस डिसीजन है उनके गवर्नमेंट के और आवाम सोई पड़ी है, बस ये सोई पड़ी है। बिल्कुल आवाम का जज्बा सिर्फ भारत के लिए रह गया? नहीं,
उनके लिए तो नहीं होना चाहिए, हमें अपने इस्लाम पे और अपनी चीज़ों पे फोकस करनी चाहिए। भारत के लिए क्यों रह जाए, हमें ये करना चाहिए, लेकिन कोई भी नहीं करेगा इस तरह से या इस तरह की कोई एक्टिविटी। अच्छा, नहीं बोलेंगे, जरूरत नहीं है, वही ना, उनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला उनको ही हिदायत दें कि ये बहाल कर दें। अगर ऐसा कोई और कंट्री करती, हम लोगों ने बाहर आकर अपनी प्रॉपर्टियों को यहाँ पर जलाना था, धक्कम पेल करनी थी, यहाँ पर दंगा फसाद करना था, यहाँ सड़कों पर स्लोगन्स लगाने थे। सऊदीया के खिलाफ हम जाते नहीं है कभी, हमें पावर नहीं है, ये क्या वजह है? हमारी सिर्फ पावर भारत के लिए रह गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। और हम सऊदीया को बेसिकली क्योंकि वहाँ पे खाना कहाँ पर है तो हम उसे प्रायोरिटी देते हैं, इस वजह से करते हैं। बट अगर सऊदीया भी गलत कर रहा है तो हम एक गुड वे में इसके लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं और करना चाहिए कि ऐसे नहीं होना चाहिए। भारत में छोटी सी भी कोई खबर आती है तो यहाँ पर जो है हम लोग अपनी प्रॉपर्टीज को डैमेज करते हैं, ये आपको भी पता है। प्रोटेस्ट होता है यहाँ पर, स्लोगन्स लगते हैं यहाँ पर, हम कहते हैं कि हमने उनको जला देना है, हमने मंदिर ढा देने हैं, यहाँ पर ये स्लोगन्स लगते हैं। सऊदीया इस्लाम का गढ़ है, हमारी, हम मुसलमान हैं, हमारी तमाम होली प्लेसेस वहाँ पर है। सऊदीया कोई भी इकदाम लेता है, अपनी पॉलिसीज में मॉडर्नाइजेशन करता है, हमारा जज्बा तब कहाँ जाता है? हमारा जज्बा तब भी कहीं नहीं जाता और अभी भी वहीं पे, ये जैसे अभी आपने बात की, बहुत सारे लोगों को तो मैं पहले कहती हूँ ये बात पता ही नहीं होगी, ये भी आपने हमसे बात की तो हमें इस बात का नॉलेज हुआ है, वरना बहुत सारे हमारी तरह बहुत सारे लोगों को इस बात का पता ही नहीं है। पता चलेगा तो आई गेस वो प्रोटेस्ट करेंगे। अगर वो इंडिया के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करते हैं ऐसे आग लगाने वाला, तो ये गलत, आप अपनी प्रॉपर्टी खराब कर रहे हैं। और वो कहता है कि औरतों की मर्जी है भाई, अगर आप वो इस्लाम पर, मतलब कि जो हमारे इस्लाम के अकॉल है वो अमल करना चाहें तो ठीक है, नहीं करना चाहते उनकी मर्जी। नहीं नहीं, अगर वो फोर्स पहले भी नहीं करते थे, फोर्स पहले भी नहीं करते, लेकिन जो अभी हो रहा है ना, नियॉन सिटी बन रहा है सारा, जनाब क्लब खुल रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए, सारे फिल्म स्टार ऑल ऑफ द वर्ल्ड, बॉलीवुड हॉलीवुड सारे जा रहे हैं, शाहरुख खान भी जाते हैं। ये तो एक अलग कंजरपूना है ना, ये कंजरपूना एक अलग से चल रहा है। ये तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी था कि मक्का और मदीना स्पेशली इन दो शहरों के लिए, कि इधर कोई भी गैर मुस्लिम नहीं अंदर एंटर हो सकता। अभी आपने देखा वो इंडियन का जो है सारा वफद आया हुआ था, वो सारी मंजूरी लेने के लिए, वो सारे गर्ल्स हैं और सारे अंदर एंटर हुए हुए थे। ये जो है ना मस्त कर रहे हैं अपनी हिस्ट्री को भी, तो सारे पाकिस्तान को मिलकर, सारे मुसलमान ममालिक जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उन सबको मिलकर खड़े होने चाहिए, कहना चाहिए कि ये बैन ख़त्म कर दे, ये नहीं लगाना चाहिए, गलत बात है ये तो मेरे हिसाब से तो बहुत गलत है। आपके हिसाब से गलत है? हाँ, हमारे हिसाब से। पाकिस्तान पर बात कर लेते हैं, हम अपने रिलीजन को ठीक से फॉलो करते हैं। अच्छा, कोई शक नहीं है। कैसे, ये भी बताएं। जैसे कि मैं अपने रिलीजन, हम अपने रिलीजन में मर्जी है, जो अबाया पहन के निकले, जो दुपट्टा खोल के निकले, ये अपना अपना है, पाकिस्तान ने किसी को कोई मना नहीं किया हुआ है। तो ये वो क्या था जो इछरे में हुआ एक लड़की के साथ, जिसके शर्ट पे हलवा लिखा हुआ था, उसको कहते हम तुम्हारा सर तन से जुदा कर देंगे, अपने कपड़े उतारो, ये क्या? ऐसा तो किसी मुस्लिम कंट्री में हमने देखने को नहीं मिला। तो औरत कितनी बेइज्जती करे कोई दूसरी मुस्लिम कंट्री, सऊदीया में तो ऐसा नहीं होता, दुबई में तो ऐसा नहीं होता, कतर में तो ऐसा नहीं होता कि औरत को नंगा करने की धमकी दी जाए। फतवा हम तो नहीं लगाते, जो लगाते हैं वो अपने हिसाब से लगाते हैं, अपना इंसान का अपना अकीदा साफ होना चाहिए। और जिस लड़की ने भी हलवा लिख के, मतलब उसके शर्ट पे लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है, वो उसका अपना अकीदा है, ठीक है। लोग क्यों उस पे बरसे? करना है तो पहले से ही, मतलब स्टार्टिंग से ही मुस्लिम कंट्री को कहना चाहिए कि सारी, मतलब औरतें जो हिजाब में बैठे हैं, ये ना करें, वो ना करें। अब फीमेल्स को भी तो हक होना चाहिए, ठीक है, फीमेल का भी हक होना चाहिए कि वो आगे निकले, आगे बढ़े, लेकिन अपने हदूद में। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और यहाँ पर आपने पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आपने यहाँ पर देखा है। इन्हीं ने ये खबरें जो है वो पाकिस्तानी मीडिया इनको जो है ना रिपोर्ट कर रहा है, और इनके अनुसार अगर हम बात करें तो ये जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो है कि सऊदी अरेबिया में जो मस्जिदों के अंदर जो इफ्तार पार्टी होती हैं उसको जो है ना सऊदी अरब ने बैन कर दिया है। इसके अलावा भी सऊदी अरब कई छोटे छोटे डिसीजन ले रहा है, महिलाओं को राइट्स दिए जा रहे हैं, ड्राइविंग के राइट्स अभी कुछ समय पहले दिए गए थे, और हिजाब को लेकर भी वहाँ पर जो कानून थे उनमें थोड़ी ढील दी गई कि अगर किसी को करना है तो वो करे, किसी को नहीं करना है तो वो ना करे। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो बार वगैरह है, एल्कोहल वगैरह है, जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए जो है ना अलाउड कर दिया गया सऊदी अरेबिया के अंदर। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सऊदी अरेबिया को पता है कि आने वाले समय में या तो ऑयल ख़त्म हो जाएगा या ऑयल की डिमांड बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि दुनिया जो है ना
अदर जो फ्यूल है इलेक्ट्रिक की तरफ या हाइड्रोजन की तरफ या अन्य किसी भी तरीके से जो है ना जो कच्चा तेल है उससे निर्भरता दुनिया बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म कर रही है। तो आने वाले समय में अगर इसकी मांग घटती है तो सऊदी अरेबिया की जो इकोनॉमी है उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान होगा। अब ये बात प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को पता है, उनको ये बात पता है, इसीलिए वो ऐसे डिसीजन ले रहे हैं ताकि सऊदी अरेबिया भी एक कट्टर इस्लामिक कंट्री के बजाय एक सेकुलर कंट्री की तरह दुनिया भर में पहचाना जाए, लोग वहाँ पर भी घूमने फिरने के लिए जाए। एक लाइन सिटी को लेकर भी आपने सुना होगा कि सऊदी अरेबिया उसके ऊपर भी तेज़ी से काम कर रहा है। तो ये सारे डिसीजन इसीलिए लिए जा रहे हैं ताकि सऊदी अरब जो है ना वो अपनी इकोनॉमी को जो है ना ऑयल से हटाकर जो है ना बिजनेस के ऊपर टूरिज़्म के ऊपर ले जा सके, ताकि भविष्य में अगर ऑयल की डिमांड कम पड़ती है तो सऊदी अरेबिया जो है ना सस्टेन कर सके, उसकी इकोनॉमी को कोई ज़्यादा लॉस ना हो। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, आपको अगर कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।